ओके आता है। चलो भाई चलो रिकॉर्डिंग देख लें, चल रही है 12 से चलनी चलनी यार। मेरा नाम आशीष भाटी है और मैं यहाँ पे टीम पेरियर पैंथर्स के लिए खेल रहा हूँ। मैंने पहले भी एक सीजन खेला है YKS का, विंटर एडिशन लास्ट ईयर और फिर विंटर एडिशन में आया हूँ। आपकी बार मैं पिछली बार मानसून एडिशन खेला था मदुरई में, फिर उसके बाद अब यहाँ पे आया हूँ। शेड्यूल ऐसे होता है, अभी रेगुलर शेड्यूल ये है, डेली सुबह उठते हैं 5 बजे और 5:30 बजे वर्कआउट के लिए निकल जाती है पूरी टीम हमारी। वहाँ से 7 बजे आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और खाना वगैरह खाने के लिए रेडी वेडी होते हैं, फिर मैच खेल के आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। शाम को कोच साहब हमें रेगुलरली कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं, किसी दिन मूवी देखने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उसके बाद फिर वही रेगुलर रूटीन है। रात को सभी के फोन ऑन जमा हो जाते हैं, 9 बजे फिर सब सो जाते हैं। अभी फाइटर मूवी देखी है, अभी तो सिर्फ फाइटर देखी है और 2-3 बार को सब बीच पे लाए हैं और शोरम गए हैं और एक और जगह लेके गए थे, उसका नाम जान गए। हम दोनों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट कासगंज। और मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी अमित नागर को देख के, वो हमारे यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब उन्हें देख के मैं टूर्नामेंट में देखा मैंने उन्हें, तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने घर पे बोला, तो 1-2 महीने बाद मैं जेड स्पोर्ट्स कबड्डी अकेडमी गया और उसके बाद कोच साहब ने मेरे को सिखाया है कबड्डी। पहले हम स्कूल में खेलते थे, जैसे स्कूल में एक आध पीरियड मतलब जब कोई टीचर नहीं आया तो खिलाने लेके चले जाते थे, तो वहाँ सब मिलके कबड्डी खेलते थे, तो धीरे धीरे शौक सा चढ़ गया कबड्डी का। फिर हमारे इधर टूर्नामेंट होते थे लोकल टूर्नामेंट कबड्डी के, तो वहाँ पर जीडी एकेडमी की टीम आई थी, तो फिर मैंने सोच लिया मैं कबड्डी खेलनी है, पढ़ाई में भी इतना ध्यान नहीं था, तो मम्मी ने बोली ठीक तो कबड्डी खेल ले। ये बहुत छोटा था उस टाइम, अभी बहुत जल्दी ग्रो कर गया। जब मैं अकेडमी पे आया था, मतलब हम अकेडमी मिले थे जब मैं बहुत छोटा था, समथिंग 14-15 ईयर्स का जब मिले थे, अब एक साथ जब से एक साथ है। दोस्ती क्या, भाई है मेरा छोटा और भाई मानता हूँ मैं इसको पहले दिन से। अभी इसको इंजरी हुई थी लास्ट ईयर में, तो इसका बोन क्रैक हो गया था, बोथ बोन राइट हैंड का, तो वहाँ पे हम टूर्नामेंट में ही थे, साथ खेल रहे थे, तो उसमें ही चोट लगी थी इसको, तो वहाँ से इसका घर हमारे घर से दूर पड़ता है, समथिंग 200 किलोमीटर दूर है, और तो फिर इसके घर पे भी नहीं बताया क्योंकि आंटी परेशान हो जाती, तो हमने इसको हॉस्पिटल में ले रखा और ट्रीटमेंट कराया, फिर आंटी को 2-3 दिन बाद बताया ताकि वो ज़्यादा हाइपर ना हो, ये सब ऑपरेशन से 1 दिन पहले बताया था मम्मी। फिर वहाँ से सब आए, मतलब वो टाइम अलग ही था, ऐसे रहता घूमना साथ में, अब भी ऐसे ही रहता है, मतलब प्रॉपरली साथ में रहते हम, ये नहीं रहता कि ये अकेडमी पर रहता है मैं घर रहता हूँ, हमेशा साथ में रहते हम, यहाँ पे भी अलग इंजॉयमेंट है, बस भाई हम दोनों और सुख दुख में साथ है जी हम। तक का सफर तो अच्छा चल रहा है, अब आगे की आगे देखेंगे। अभी सफर ऐसा है कि हमारा सर्वाइवल राउंड में फर्स्ट मैच जो था, मतलब लास्ट मैच जो था, तदोवा टाइगर से था, और वो मैच हमारा ऐसे ही रह गया, मतलब लूज भी कर जाते हैं उसे तो हम बाहर हो जाते, डू और डाई मैच था, तो उस मैच में मैं बाहर बैठा हुआ था क्योंकि मेरे थोड़ी चोट थी उस वजह से, तो टीम ने उल्टी उनकी लीड करा दी, कोच साहब ने बोला कि चेंज हो भाई कुछ भी कर, मैच जीता, लास्ट के 5 मिनट बचे, उनकी लीड थी 2 पॉइंट की, हमको डर था घर वापस जाने का, घर चले जाएंगे तो क्या ही होगा, फिर पूरी कोशिश की, उसके बाद हम मैच जीते, जो कि बस हंसने लायक ही था वो, तो हमारे साथ जो भी हुआ उस मैच में, क्योंकि वो टेबल लूजर टीम थी, उसके साथ भी हमने मैच लगा दिया। अभी हमारी टीम से कुणाल भाटी गया हुआ है मुंबई के लिए, तो हम भी अपनी अच्छे से अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे और नेक्स्ट सीजन प्रो कबड्डी में जाए और नेशनल्स वगैरह भी खेलेंगे, क्योंकि उनसे सिलेक्शन भी होता है, यहाँ से भी प्रॉपरली सिलेक्शन हो रहा है, पर वहाँ पे भी खेलना जरूरी है। अच्छा खेलने का मन करता है कि हमें भी युवा सीरीज से प्रो में जाना, समर एडिशन खेलेंगे, मानसून एडिशन खेलेंगे, पूरी जी जान से खेलेंगे और हमें भी प्रो कबड्डी खेलनी है। Yeah.
कबड्डी प्रोफेशनल गेम बन चुका है, पहले नहीं था, बहुत ही ज्यादा ऊंचा लेवल हो चुका है इसका। तो सभी अपने अच्छी से मेहनत करें और उल्टी चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें, और मतलब लॉन्ग टर्म रखे, शॉर्टकट ना करें, क्योंकि शॉर्टकट क्या होता है, एकदम शॉर्टकट क्या, सब खत्म। लॉन्ग टर्म में ये होता है कि बंदा आगे तक जाता है और रुकता है वहां पे, कुछ लेवल होता है उसका, उस लेवल पे रुकता है। जब बंदा कबड्डी चालू करता है तो यहाँ पे होता है, अब एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है उसे, उसके लिए उसे प्रॉपर डाइट खानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है प्रॉपर रेगुलर, एक भी दिन का गैप नहीं, और डिसिप्लिन होना चाहिए, और मतलब जीदारी होनी चाहिए कि बस कबड्डी खेलनी है तो खेलनी है, कुछ करना है कबड्डी में। तो बंदा सीढ़ी चढ़ चढ़ के यहाँ पे आ जाता, फिर प्रोफेशनल प्लेयर बन जाता। पूरी फैमिली मैच देखती है, सब रिलेटिव्स मैच देखते हैं, सब दादा दादी वगैरह सब देखते हैं। जो हम पे प्रेशर रहता है ना, उसे फेस पे ना दिखा के गेम खेलते हैं, ताकि घर वालों को ना लगे प्रेशर में खेल रहा लड़का ये करता था। तेरे से अच्छा खेल लूंगा मैं, क्या वहाँ पे एंकल होल्ड कराया था, कभी थाई खाया था, तेरे से अच्छा खेल लूंगा मैं, तेरे में क्या स्किल है, क्या मेहनत करता है, तू ऐसे बोलते कॉलिंग। बस करना है, बस यही करो, छोड़ो मत, जो सोच ले वो करके रहो। जोश, जज्बा, जुनून।